कहाँ से देखा था आपने? नहीं नहीं टीवी पे आप कहाँ थे तब? अच्छा मायने होते नहीं है, लेकिन अगर आपने वर्ल्ड कप नहीं जीता है अपनी टीम के लिए, वो कंट्रीब्यूट नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में जो 2007 में वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच, वो 3 विकेट, वो सबसे बेहतरीन मोमेंट था मेरा। पर्सनली बहुत खुश था और खास करके ऑलराउंडर मिल गया टीम इंडिया को, बहुत अच्छा। लेकिन फिर जब आपका थोड़ा इंजरी हुआ और आप बॉलिंग स्लो कर रहे थे और विकेट कीपर आगे रह रहा था, मैकग्रेट को भी आगे रह रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या फील हो रहा था जब विकेट कीपर आगे आ रहा था? पहले तो आप 140 से ऊपर जब कीपर आगे और आप बॉलिंग करते हैं। देखिए मेरी किताब है इरफान पठान, मैंने अपनी किताब बनाई है, उसकी डिक्शनरी में ना मैंने एक्सक्यूज वर्ड निकाल दिया। सो जब लोग मुझे ये बात पूछते हैं कि आपकी स्पीड थी फिर कम हुआ, आपको ड्रॉप किया, आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, बहुत सारी बातें होती हैं, मैं उस सारी बातों को दरकिनार करता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि जो बीत गई वो बात थी, यू नो वो पुरानी रात थी, आपको आगे बढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने अचीव किया, लोग कहते और ज़्यादा अचीव कर सकता था, जिसमें कोई शक नहीं, और ज़्यादा अचीव कर सकता था, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए जाती हैं, चाहे वो बैकिंग हो चाहे वो इंजरी होना। लेकिन अगर मुझे दोबारा वो चीज़ जीने का मौका मिले तो मैं इंजरी के बाद थोड़ा वक्त लेके आता। कई बार मैं जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ मैं इंजरी के बाद जल्दी आया हूँ, वो मैं टीम मैनेजमेंट के रिक्वेस्ट पे या हमारे कैप्टन के रिक्वेस्ट पे या हमारे जो टीम में जो लड़के उनके रिक्वेस्ट और सिलेक्टर्स के रिक्वेस्ट पे थोड़ा जल्दी आया हूँ। अभी चीज़ें बदल गई है, तो अगर मुझे वो दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं अगर इंजरी हुई है उसके बाद थोड़े मैचेस खेलूँ, मतलब पूरी फिटनेस करूँ उसके बाद मैचेस खेलूँ फिर आऊँ, तो फिर स्पीड पे असर नहीं पड़ता है, फिर आपका वो फॉर्म बरकरार रहता है। लेकिन एक बार जब माहौल बदला है ना इंडिया में, तो फिर वो माहौल को चेंज करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि आपको ये याद है स्पीड कम हुई थी। लेकिन मेरा सबसे अच्छा बॉलिंग का जो साल था जिसमें मैं बैट्समैन को डिफेंस करके भी आउट कर रहा था, बड़ी बड़ी विकेट भी ले रहा था, वो 2012 था। तो वहाँ पे मैं जैसे मैं बॉल को बोल रहा था वैसा बॉल कर रहा था। एलेक्स हेल जो अभी ओपनर थे वर्ल्ड कप में, जो वर्ल्ड कप जीती इंग्लैंड की टीम, उनको आउट किया मैंने 2012 में, मैं अपने पीक पे था वो टाइम पे। पर उसके बाद इंजरी हुई, उसके बाद मैं बाहर गया, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती, लेकिन कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई गम नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। आप तीनों कैप्टन के साथ खेले, दादा और सबसे अच्छा कैप्टन था? सारे कैप्टन अच्छे थे। देखो इंडिया के लिए आप कप्तानी करते ना, मैं बताता हूँ आपको, बहुत बड़ा प्रिविलेज इंडिया की कप्तानी करना। तो सबसे पहले तो ये तीनों कमाल के कैप्टन, दादा ने इंडियन क्रिकेट को बदला है, उनके माइंडसेट को बदला है, क्योंकि वो टाइम पे जब वो कप्तान आए थे वो कप्तानी करना आसान नहीं था, वो बहुत मुश्किल दौर था, और वहाँ पे इतने आपके पास ऑलराउंडर्स भी नहीं थे, राहुल द्रविड़ कीपिंग करते थे ताकि बैलेंस बने टीम का, समझ रहे आप? तो अभी चीज़ें बदली जब महेंद्र सिंह धोनी आए, उसके बीच में राहुल द्रविड़ ने भी कप्तानी की। हर एक कप्तान का एक वैल्यू है मेरी लाइफ में, लेकिन अगर एक चुनना है मुझे तो सौरव गांगुली को चुनना।